नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों हम अक्सर बात किया करते थे कि वियतनाम जो है वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, लेकिन दोस्तों अब इसके अंदर एक और कंट्री का नाम जुड़ गया है जो है फिलीपींस। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर कैसे इंटरेस्ट दिखाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया और फिलीपींस के बीच में बात चल रही है बहुत से डिफेंस प्लेटफॉर्म की खरीदी को लेके, जो कि इंडिया से खरीदे जाने हैं और इनके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। ये बात इंडिया के फिलीपींस के अंदर एम्बेसडर जयदीप मजूमदार ने कही। दोनों देशों के बीच में बहुत से वेपन सिस्टम के ऊपर बातचीत चल रही है और एक बार अगर ट्रेवल पॉसिबल हो गया तो जॉइंट कमेटी जो इन चीजों को देखती है और लॉजिस्टिक डिफेंस को देखती है वो इसके बाद में बात करेंगी। ये बात मजूमदार जी ने कही। और दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर प्राइस नेगोशिएशन किया गया था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को, जिसे इंडिया और रशिया ने डेवलप किया है, और उनका एम था कि इसे 2020 के लिए ही फाइनल कर लिया जाए। और दोस्तों फिलीपींस उन कुछ एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर है जिन्होंने पहले इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। और आपको ये भी बता दें कि ये लैंड और सी बेस्ड वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस की आर्मी के लिए कोस्ट एक बहुत बड़ी चीज थी, तभी उसके बाद में ही डिसीजन लिया गया कि वे किस तरह का लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम खरीदेंगे। और आपको बता दें कि ये जो मामला उन्होंने मिसाइल सिस्टम खरीदने का शुरू किया था, ये अक्टूबर के अंदर बात शुरू हुई थी। और इंडिया ने इसके लिए फिलीपींस को $100 मिलियन का क्रेडिट देने की भी कोशिश की थी और कहा था कि आप ये सिस्टम खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिलीपींस चाहता है कि नेक्स्ट बजट तक वेट किया जाए क्योंकि उसके बाद उन्हें इसके लिए फंड मिल जाएगा और वे खुद से ही इस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिलीपींस ने अभी बहुत सी डील की है इंडिया के साथ में, जिसके अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम शामिल है, जैसे कि बुलेट प्रूफ गियर या फिर आर्मर प्लेटिंग मिलिट्री व्हीकल के लिए। और अभी एक इंडियन फर्म ने फिलीपींस टेंडर को जीता है जिसके लिए बिड इनवाइट की गई थी, उसके अंदर दोस्तों ये बुलेट प्रूफ गियर के लिए टेंडर था। दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिलीपींस की विजिट हुई थी 2017 के अंदर, जहां इंडिया और फिलीपींस ने एक MOU के ऊपर साइन किया था जिसके तहत दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए जाने के ऊपर साइन हुए थे। और दोस्तों इसके अंदर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट शामिल था, स्पेशली डिफेंस हार्डवेयर का। और दोस्तों इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया को दिया जा सके, और इसके लिए दोस्तों हमारी एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर की टीम ने भी दौरा किया था इंडोनेशिया का, वहां की एक स्टेट रन शिपयार्ड का, ताकि यह देखा जा सके कि इस मिसाइल को इंडोनेशियन वारशिप के ऊपर कैसे फिट किया जा सकता है। और दोस्तों इंडिया ने वियतनाम को भी ये मिसाइल देने की कोशिश की थी और उसके साथ भी टाक चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि 2005 के अंदर इंडियन नेवी ने इसे पहली बार इंडक्ट किया था अपने वारशिप के ऊपर, और 2007 से इंडियन आर्मी इसे यूज कर रही है, और एयरफोर्स के लिए भी इसके बहुत से ट्रायल हो चुके हैं और इसे Sukhoi-30 MKI के ऊपर इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी नेशन है, ये हमारे साथ इनका अच्छा रिलेशन है और चाइना के साथ इनका रिलेशन खराब है। ऐसे में दोस्तों इंडिया इनको अगर ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो एक तरफ तो हमारी डिफेंस के अंदर बढ़ावा मिलेगा और हमें उससे पैसे भी मिलेंगे और हमारा प्रोडक्ट भी दूसरे देशों में सेल होना शुरू हो जाएगा, हमारे जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों इससे चाइना को भी एक मैसेज जाएगा कि इंडिया भी ऐसा कर सकता है जैसा चाइना करता है, पाकिस्तान को वेपन सिस्टम देके। और दोस्तों ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल वेपन सिस्टम है, तो ऐसे में अगर ये इन देशों के पास चला जाता है तो चाइना को भी खतरा हो जाएगा और आगे से वह इंडिया के साथ डील करने में ध्यान रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।